Salut ma pas Adam. जीती रहो जीती रहो। आप भी वंटो का हिस्सा हैं। मैंने इन्हें बस एक खत लिख दिया था कि ईमेल लिख दिया था कि फैज साहब की एक नज्म जो फिराक में भी थी और वो फिल्म तक पहुंच नहीं पाई, दाग दाग उजाला, वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम पोएम्स अबाउट द मॉर्टल डॉन। किस तरह की सहर, किस तरह की सुबह के पी को हम सो हमने किस तरह की सहर सोची थी और वो क्या निकली, उसके बारे में फैज साहब की एक बहुत ही खूबसूरत नज्म है। तो वो फिराक में नहीं आ पाई तो फिर मैंने उसको मंटो में किसी तरह घुसा दिया है। तो इसमें आप सुनिएगा। तो दोनों फिल्में अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं था कि भाई मुझे अब डायरेक्टर बनना है, अब एक्टिंग कर लिया, चलो अब ये करते हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाय डिज़ाइन नहीं हुआ है, सब कुछ इत्तेफाक हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है। समहाउ एक चीज़ आप करो तो कुछ और चीज़ें निकलती जाती हैं। तो फिराक वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्स टू एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग अराउंड अस। जिस तरह की एक हेल्पलेसनेस लग रही थी जब 2002 में गुजरात कार्नेज हुआ, ऐसा नहीं कि इसके पहले दंगे नहीं हुए थे हमारे मुल्क में, लेकिन हमने पहली बार एक तो इमेजेस देखे थे जब 1984 में जब सिख रायट्स हुए दिल्ली में, तो उसमें एक्चुअली आप देखें नंबर्स के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा थे, 10,000 लोगों को मारा गया था, यहाँ 2,000 के। सो इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इस हमारे मतलब एडल्टहुड में, समहाउ मेरे एडल्टहुड में ये पहली बार मैंने इस तरह का हादसा ऑलमोस्ट देखा। 2-3 दिन में सब कुछ जैसे बदल गया हो। सिर्फ जो वहाँ गुजरात में हुआ वो नहीं, सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की हो रही थी कि हम जहाँ भी जाते थे कॉन्वर्सेशन बड़े पोलराइज हो रहे थे। नॉर्मल चीज़ें कहीं पर एक बिल्कुल अस एंड देम की एक फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आ रही थी, अंदर की प्रेजुडिस मानो एकदम बाहर फूट के निकल रही हो ऐसा लग रहा था। द अदरिंग वॉज हैपनिंग वेरी क्विकली राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो उस चीज़ ने कहीं पर मुझे सॉर्ट ऑफ मजबूर ऑलमोस्ट किया कि फिर आप मैं बनाऊँ, यानी अलग अलग कहानियाँ लेकर आऊँ। बहुत ऑर्गेनिकली वो स्क्रिप्ट हुई थी। एक मिडिल क्लास कपल की कहानी शुरुआत में थी, हम जैसे लोग जो सोचते हैं कि बातें करके सब कुछ हम सुलझा देंगे, और उस तरह की कहानी से शुरुआत हुई थी, पर दूसरी सारी कहानियाँ उसमें जुड़ती गई। और मुझे एज एन ऑडियंस एंड एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, वायलेंस देखने का कभी भी शौक नहीं रहा। ये एक्शन फिल्म या जिसमें वायलेंस होती है कभी कभी जस्टिफाइड होती है, पर हमेशा मैं आँख बंद करके देखती हूँ। तो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे इवन दो इट वॉज़ अ वेरी वायलेंट इंसिडेंट एंड वी डोंट हैव टू फॉरगेट इट, लेकिन इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है वायलेंस का, उसके बारे में ज़्यादा दिलचस्पी थी। उसको हम एज अ मिरर देखें कि अगर हमारे साथ ये हादसा हो तो हमें कैसा महसूस होगा। इसलिए फिराक एक महीने बाद की कहानी थी और एक दिन की कहानी है, जिसमें 5 अलग अलग कहानियाँ हैं। हर रिश्ते में उस वायलेंट एक्ट का क्या असर हुआ,